हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ श्वेता और आप सबका स्वागत है मेरी श्वेता क्रिएशन पे। आप सब कैसे हैं? तो आज हम करेंगे एक स्क्रब। आपको दिखाई नहीं दे रहा, दिख रहा है? पतंजलि लिखा है, PATANGALI, पतंजलि एप्रिकॉट स्क्रब। मैं इसे पिछले 2 साल से यूज़ कर रही हूँ। ये मेरा सेकेंड या थर्ड ट्यूब है। अच्छा लगता है। तो मैं आज आपको ये कैसे करते हैं करके बताऊँगी, ठीक है? मैं तो अभी हेयर वॉश करके नहा के आई हूँ। मेरा फेस तो पूरा क्लीन ही है अपना। मैं बिंदी निकाल लेती हूँ और मैं इसे, और हाँ, मैं आपको एक बात बताती हूँ इसमें क्या क्या ये क्या करता है। यहाँ पे लिखा है, ए नेचुरल स्क्रब क्रीम फॉर थ्रो द इफेक्टिंग क्लींजिंग एनहेंस ब्लड सर्कुलेशन एंड रेडिएंट एट द हेल्थ स्किन। और इसमें विटामिन ई है जो कि एंटीऑक्सीडेंट करता है और हमारे स्किन को बहुत सॉफ्ट करता है और हमारे जितने डट जमा हो जाता है ना बाहर धूप पॉल्यूशन के कारण, वो सब ये निकालता है। और इसे इसका 18 मंथ्स है एक्सपायरी डेट, आई मीन मैन्युफैक्चरिंग से 18 मंथ्स तक आप, मतलब 1.5 साल के बीच आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं। और ये है ओनली 60 रुपीज़ का। यहाँ पे मैन्युफैक्चर एक्सपायरी वगैरह यहाँ पे लिखा होता है। इसका पतंजलि का कोई भी प्रोडक्ट हो, एलोवेरा जेल हो, कुछ भी हो, ये आपको कोई भी कार्टून में नहीं मिलेगा। कोई भी आप पतंजलि शॉप में जाएंगे तो वो ऐसे ही मिलेंगे, ठीक है? तो मैं आपको करके बताती हूँ कि कैसे करना है। देखिए, आप इसे अपनी फेस पे, हैंड्स पे, कहीं पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। बॉडी पे तो नहीं, मैं हैंड्स पे इसीलिए यूज़ करती हूँ। जब भी मैं कहीं भी बाहर जाके आती हूँ, अगर सनस्क्रीन लगाना भूल जाती हूँ तो मेरे हैंड्स पे अगर कुछ भी धूप से टैन पड़ जाए तो मैं क्या करती हूँ, इसे लेकर थोड़ा स्क्रब कर लेती हूँ। हैंड्स को स्क्रब करके 5 मिनट पहले छोड़ देती हूँ, फिर धो देती हूँ और उसके बाद आइस लगा लेती हूँ। बहुत शायद सामने वाले को कुछ इफेक्ट पता चले या ना चले, पर मुझे पता चलता है। बहुत ठंडक मिलती है और डर्ट मुझे लगता है कि चला जाता है। तो चलिए शुरू करें हमारा स्क्रब। बस आपको ऐसे ऐसे करके, मैंने चारों तरफ से फेस पे लगा लिया है। आपको स्क्रब करके आपको ऐसे ऐसा 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 मसाज करना पड़ता है। जब हम मसाज, मतलब जोर जोर से नहीं, बस सॉफ्ट सॉफ्ट से, मतलब बेबीज को जैसे करते हैं, हमारा फेस बहुत ही सॉफ्ट होता है। इसीलिए हम फेस पर कर, क्योंकि इसके अंदर जो स्क्रब, मतलब आप जब स्क्रब लगाते हैं ना, आपको थोड़ा खुदरा सा महसूस होगा। वो जो क्रीम में थोड़ा सा खुदरा सा महसूस होगा। अगर आप उस पर और जोर से मलेंगे तो क्या होगा, आपका स्किन मतलब हॉट होगा। इसीलिए बस सॉफ्ट से करना है चारों तरफ से। कोई भी एरिया आपको छोड़ना नहीं है, आंखों के नीचे, आईब्रोज पे, नाक के साइड्स पे। आपको हमेशा याद रखना है, आपको डोज के ये सब को अच्छे से स्क्रब करना है। ऐसे दो से तीन मिनट तक मसाज करेंगे
मेरे तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, आपको वो सारा सब कुछ वो अब्जॉर्ब हो चुका है। मैं अब 5 मिनट रुकूंगी, फिर फेस वॉश कर दूंगी। मेरे तो 5 to 10 मिनट्स हो चुके हैं, मैं अभी जाके फेस वॉश करके आऊंगी, फिर आपसे मिलूंगी। ठीक है, आप वेट कीजिए। मैं तो फेस वॉश करके आ चुकी हूँ, आपको कुछ फर्क दिख रहा है क्या? मैं आपको 1 मिनट रुकी। मेरे घर में थोड़ा लाइटिंग की प्रॉब्लम है, एक ही लाइट है, यहाँ से सनलाइट आ रही है, मैंने स्क्रीन कवर किया है, फिर भी वो लाइट आ ही रही है, और बाहर से विंडो है वहां से भी आवाजें आ रही है, मैं क्या करूं? आपको कुछ पता चल रहा अगर नहीं, मैं बता नहीं सकती, पर मुझे यहाँ पे बहुत ही सॉफ्ट फील हो रहा है, सॉफ्ट तो लग रहा है, और मेरा तो वैसे कोई ब्लैकेट्स वाइटर्स इतना है नहीं, और ये ब्लैकेट्स वाइटर्स भी धीरे धीरे निकालने में मदद करता है, पर मेरे तो उतना है नहीं इसीलिए नहीं पता, पर ये सब बहुत ही सॉफ्ट लग रहा है, ये सब बहुत सॉफ्ट लग रहा है। हमें क्या है ना, फेस स्क्रब वीकली ट्वाइस या थ्राइस तो करना ही चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है, बाथरूम में रखो, आप बॉडी को वॉश करने से पहले फेस पे लगा लो, आप यहाँ से नीचे से काम करते हैं करते वक्त ऊपर का तो ड्राई हो जाएगा, आपका टाइमिंग भी हो जाएगा, और आपको फेस वॉश करना है, सोप नहीं लगाना, ओनली वाटर वॉश करना है। अगर कोई भी कुछ भी रेमेडी या DIY फेस पे यूज़ करते हैं, वो मतलब घर होम मेड हो या बाहर का हो, अगर हम उसे लगा के वाटर वॉश करके नहीं छोड़ेंगे, अगर सोप लगा लेंगे तो उसका जो भी तत्व होता है वो सब चला जाएगा, वो फेस में अब्जॉर्ब नहीं होगा, समझ रहे ना आप? पहले फेस वॉश करना है तो हमारे जो भी स्किन के सेल्स होते हैं वो सब ओपन हो जाएंगे, उसके बाद हम अगर कुछ भी अप्लाई करेंगे तो वो सारे सेल्स ओपन होंगे ना, वो जल्दी से हम जो भी प्रोडक्ट यूज़ करेंगे उसके सारे अच्छाइयों को ऑब्जॉर्ब कर लेगा, वो जब हमारा स्किन सब जब सब कुछ ऑब्जॉर्ब कर लेगा, हम कोई भी आप DIY यूज़ कर ले, 30 मिनट्स 20 मिनट्स ऐसे तो सभी होममेड हो या बाहर का हो, टाइम तो लगता है, वो उसके बाद आपको वाटर वॉश करके उसे छोड़ देना है बस, तभी आपको पता चलेगा। मैं इसे आज आपके सामने सिर्फ यूज़ करके दिखाया है, मैं इसे यूज़ कर रही थी और ये मेरे स्किन पे इतना पता नहीं चलता, पर मेरे पति के स्किन पे मेरे पति के लिए मैं ये लाई थी। हमारे हस्बैंड्स क्या है ना, बाहर धूप पे घूमते हैं, उन सबका पसीना भी ज़्यादा आता है, ब्लैकेट्स वाइटर्स उनके ज़्यादा होते हैं, तो वो सब तो कोई हाँ मतलब आदमी लोग तो कोई DIYs वो सब तो यूज़ नहीं करते, अगर कुछ भी कभी भी ज़रूरत हो, ज़्यादा डर्ट्स लग रहा हो तो मैं कहूँगी आप इससे अपना फेस वॉश कीजिए, आप बिलीव नहीं करेंगे उन पर रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आदमियों के फेस पर या इतना अच्छा काम करता है तो हमारे गर्ल्स पे क्यों नहीं करेगा, आप इतना तो सोचिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूल, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूले, मेरी बिंदी गिर गई है, बाय। और ये बहुत ही बजट बजट फ्रेंडली है।